डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन के लिए सब्जेक्ट साइंस का जो सेकंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण, इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस तरह की वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पाचन के मुख्य चरण है, तो मानव पाचन के मुख्य चरण है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्त्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक पर्वत होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, दीर्घवृक्क कहते हैं। अमीबा भोजन का पाचन खाद्य धान्य में करता है। नेक्स्ट आपको सत्य असत्य बताने हैं। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, यह असत्य है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, यह सत्य है। पित्ताशय मंड पीत रस अस्थायी रूप से भंडारित करता है, यह भी सत्य है। रुमिनेंट निगले हुए घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये भी सत्य है। नेक्स्ट आपको टिक लगाना है जो गलत है या जो सही है उसके ऊपर टिक लगाना है। देखो, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन क्षुधांत्र में होता है। नेक्स्ट है जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण वृद्धांत्र में होता है। आगे आपको मिलान करना है कोलम ए को कोलम बी से, तो खाद्य घटक पाचन के उत्पादन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा, तो वसामल और ग्लिसरॉल। दीर्घरोम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। नेक्स्ट है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है, तो यकृत गहरे भूरे लाल रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त रस स्रावित करती है, नष्ट नहीं आएगा यहाँ पर, पीतरस को स्त्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पीतरस जिससे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन से घटक में, तो वसा के पाचन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रुमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण भी लिखिए। तो सेल्युलोज एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जिसका पाचन रुमिनेंट कर सकते हैं लेकिन मानव नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। देखो, रुमिनेंट सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि रुमिनेंट्स में क्षुधांत्र और वृद्धांत्र के बीच थैली जैसे संरचना में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि मानव के आहार नाल में सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है, तो इसका सीधा सा आंसर हम लिखेंगे कि ग्लूकोज एक सरल शर्करा होती है जिसका पाचन आसानी से हो जाता है। शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है जिसके कारण ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित की जाती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुधांत्र में होता है, भोजन को चबाना मुख गुहिका, जीवाणु नष्ट करना अमाशय, भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुधांत्र और मल का निर्माण बृहदान्तर। आगे है, मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए, तो समानता लिखेंगे मानव एवं अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। अंतर लिखेंगे मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आपको मिलान करना है, तो लाला ग्रंथि लाला रस स्त्रावित करती है, अमाशय अम्ल का निर्मोचन, यकृत पीतरस का स्त्रवण, मलाशय बिना हुए भोजन का भंडारण, शुद्धांतर पाचन का पूरा होना और वृद्धांतर जल का अवशोषण। आगे दिए गए पाचन तंत्र में आरेख को नामांकित कीजिए, तो ये आपका पाचन तंत्र है, इसमें आपको इस तरीके से आरेख बनाना है और इसके नाम लिखने, यहाँ पर पित्ताशय है, यहाँ पर अमाशय हो जाएगा, यहाँ अग्नाशय, वृद्धांतर, क्षुधांतर, मलाशय। आगे, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। नहीं, केवल हरी सब्जियां घास का भोजन से निर्वाह नहीं हो सकता। हरी सब्जियों में थोड़ी सी मात्रा सेलुलोज, विटामिन और खनिज लवण होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हमें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हों।
ये थे स्टूडेंट आपके सेकंड नंबर चैप्टर के क्वेश्चन जो इस वीडियो में हमने देखे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।